मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। वहीं छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था में प्रवेश में आरक्षण संशोधन विधेयक के प्रस्ताव का भी कैबिनेट में अनुमोदन किया गया। इन दोनों संशोधन विधेयकों को विधानसभा के आगामी विशेष सत्र में पेश किया जाएगा। कैबिनेट में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि विधानसभा में संशोधन विधेयकों के पारित होने के बाद इन वर्गों को आरक्षण का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। और भी वो डाटा बनेगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो माननीय उच्च न्यायालय ने जिस आरक्षण की हम लोगों ने पिछले विधानसभा में पारित करके जो 58% का भेजा था, उसको उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय ने खारिज किया है। तो छत्तीसगढ़ में एससी एसटी एस पर पॉपुलेशन और ओबीसी, और चूंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को भी मान्यता अप टू 10% दिया है, तो इन वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था के संदर्भ में हम विधेयक लाने जा रहे हैं। कृषि मंत्री ने बताया कि कैबिनेट में नवीन मछली पालन नीति में संशोधन किए जाने के विभागीय आदेश का भी अनुमोदन किया गया है। उसमें कोऑपरेटिव एक्ट के तहत पंजीकृत संस्था होती है, वो अपना तय कर लेता है कि इतना तालाब हम लेना है। उसके बाद एक्ट में ये है कि दूसरा समिति वहाँ पंजीकृत नहीं हो सकता। अब चूंकि मछुआरों की संख्या बढ़ रही है, तो क्षेत्र को हम लोग इसको कम करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा मछुआरा समिति को अवसर मिलेगा, ये पहला। दूसरा जो पंचायतों का अधिकार है कितने हेक्टेयर तक का, उसमें थोड़ा संशोधन था। और तीसरा ये था कि हमने नीति बनाई थी, हमने कहा था मछुआरों की समूह बना के भी हम तालाब देंगे, पर हमारे मछुआरे लोग बोल रहे हैं कि पंजीकृत संस्था को ही देना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, हम उसको शामिल किए। मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्र सरकार के संशोधन अनुसार राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत प्राकृतिक आपदाओं से फसल और अन्य क्षति की स्थिति में मिलने वाली क्षतिपूर्ति राशि में वृद्धि के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा राज्य शासन, वनोपज संघ और निजी निवेशकों के बीच किए गए त्रिपक्षीय MOU के आधार पर स्थापित वनोपज आधारित उद्योगों द्वारा जो उत्पाद निर्माण किए जाएंगे, उन्हें छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड के अंतर्गत छूट के साथ क्रय करते हुए संजीवनी तथा अन्य माध्यमों से विक्रय करने के लिए निर्णय लिया गया है।